हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगेश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी 10 यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो शादियां की। चलिए देखते हैं। पहले के वक्त में सिर्फ बॉलीवुड कलाकारों को सेलिब्रिटी माना जाता था और उन्हीं की लाइफ जानने के लिए लोग उत्सुक रहते थे, पर अभी कुछ ऐसा नहीं है। भारतीय क्रिकेटर्स को भी सेलिब्रिटी माना जाता है और उनकी पर्सनल लाइफ जानने के लिए लोग बहुत ही बेताब रहते हैं। उनसे जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी बातें आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अभी तक भी अपने ऑनलाइन टीवी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हर रोज क्रिकेट जगत की ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। भारतीय क्रिकेटर्स में दो दो शादी करने में पहला नाम आता है मोहम्मद अजहरुद्दीन का, जो एक क्रिकेटर होने के साथ एक नेता भी है। उन्होंने पहली शादी नौरीन से की थी, जिससे उन्हें दो बच्चे भी हुए, लेकिन बाद में उन्हें नौरीन को तलाक दे दिया और उन्होंने संगीता बिजलानी से दूसरी शादी कर ली है। दो दो शादी करने में दूसरा नंबर आता है युवराज सिंह के पापा क्रिकेटर योगराज सिंह का। उन्होंने भी दो दो शादियां की है। बहुत कम लोग जानते हैं इसमें पहली शादी उन्होंने शबनम से की थी, लेकिन बाद में उन्हें तलाक देकर उन्होंने सतवीर कौर से दूसरी शादी कर ली है। आगे बात करते हैं विनोद कांबली के बारे में। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त से पहली शादी कर ली थी, लेकिन बाद में दोनों ने तलाक दे दिया एक दूसरे को, और तलाक देकर बाद में विनोद कांबली ने एंड्रिया हेविज से दूसरी शादी कर ली थी। आगे बात करते हैं मुरली विजय के बारे में। मुरली विजय ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और उसके बाद में उन्होंने जिस लड़की से शादी की थी वो क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पहली पत्नी थी। वैसे मामला थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन कई बार जाहिर तौर पर उन दोनों का आमना सामना भी हो जाता है, पर वो दोनों एक दूसरे से बचते हुए नजर आते हैं। पर खैर, निकिता मुरली विजय से शादी करके बेहद खुश नजर आती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसे वीडियो लाते रहते हैं।